नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ज्ञान वापे परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आज सुनवाई के पहले ही दिन डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई किए बगैर ही अगली तारीख 30 मई नियत कर दी। इस दौरान अदालत परिसर में गहमा गहमी की स्थिति बनी रही और सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही। अगली खबर है कन्नौज से। कन्नौज के जिला अस्पताल में 6 बेड की हीमोडायलिसिस यूनिट का उद्घाटन बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अपने ही शहर में मरीजों की हीमोडायलिसिस हो सकेगी, लोगों को कानपुर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं इससे आसपास के 4-5 जिलों को भी लाभ मिलेगा। देखो, निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर एक डायलिसिस यूनिट की आवश्यकता थी और लगातार हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिमांड कर रहे थे, यहाँ की आम जनता की भी डिमांड थी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रयास किया है। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भी लगातार नेतृत्व को अपनी बात रखी है और हम सब ने मिलकर और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा ये कन्नौज में डायलिसिस यूनिट की जो प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस यूनिट से यहां कन्नौज के तमाम सारे ऐसे लोग जो कि हम लोगों की जानकारी में ही थे और उनको डायलिसिस के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था, कानपुर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, उनकी ये समस्या अब समाप्त हुई है और आसपास के 4-5 जनपदों में, केवल कन्नौज में ही ये डायलिसिस यूनिट शुरू हुई है, तो ये आसपास 4-5 जनपदों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वहीं बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सफदरगंज पलहरी पशु बाजार के पास भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि कंटेनर ट्रक और टवेरा गाड़ी आमने सामने टकरा गई। हादसा अचानक सामने आए जानवर को बचाने के चक्कर में हुआ। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में नए राशन कार्ड नियमों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस कड़ी में अयोध्या कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब चुनाव खत्म हो गया है तो सरकार लोगों के पेट पर लात मारने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के द्वारा गरीबों के साथ कोरा मजाक किया जा रहा है। ये जारी किया जाता है कि अपना जो राशन, जिस राशन की बदौलत उन्होंने कहा हम गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे, और उसके बाद सरकार बनने के जस्ट बाद उनसे कहा जाता है कि अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर दो, उसके बाद में फिर सरकार द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि ऐसा नहीं होगा। ये इस तरीके से कोरा मजाक किया जा रहा है, इसलिए आज हम कांग्रेस जन उसे लेकर के राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में मठ मंदिर की थाली से 10 रुपए उठाने का आरोप लगाकर दलित बच्चे को जमीन पर गिराकर लात घूसों से पीटा गया। बच्चे की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने पूरे मामले में पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक युवक के द्वारा एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ मंदिर परिसर के अंदर मारपीट करते हुए का दृश्य था। जब प्रकरण की जांच कराई गई तो पता चला कि मंदिर के अंदर थाल में पैसे रखे थे। एक 10 साल का बच्चा पहुंचा और उसने पैसे उठा लिए। इस पर वहां पर दर्शनार्थ आए हुए सुधांशु नाम के व्यक्ति ने, जो पहासू कस्बे का रहने वाला है, उस बच्चे के साथ मारपीट की घटना की। नैतिक रूप से ये जघन्य किस्म का अपराध था, छोटे बच्चे के साथ इस तरह की घटना करना। तत्काल जो वीडियो थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है संभल से। दरअसल संभल के थाना नखासा क्षेत्र के गांव ताजपुर में छेड़छाड़ के विरोध में जमकर फायरिंग हुई। दो पक्षों में हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। बता दें कि गांव के चौकीदार के बेटे का दूसरे पक्ष की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका विरोध युवती पक्ष लगातार कर रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए। बता दें कि 5 घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना नखासा क्षेत्र में ताजपुर गांव में दो पक्षों में प्रेम प्रसंग को लेके मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को चोटें आई है। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
मुकदमा लिखा जा रहा है। बाकी घटना की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है और घटना करने वालों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। चंदौली के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बरथरा कला गांव में एक विवाहिता का शव घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पति अखिलेश गुप्ता और ससुर निर्मल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई ने बताया कि मृतका के ससुराल वाले उसे सांवले रंग के लिए बार बार ताना देते थे, जिसके चलते उसने ये मुकदमा उठाया। पुलिस ने 4 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुझे नहीं पता, वहाँ उन लोग हम लोग गए तो वहाँ उस लड़की को मार के टांगे हैं, बोल रहे हैं कि हमने कहाँ गए थे, हम तो लड़की के घर के ससुराल गए थे। किसके ससुराल? अपने सिस्टर के ससुराल। आपके अच्छा आपके सिस्टर थे, कब की शादी हुई है वहाँ? अरे सर, 11 फरवरी को शादी हुई थी उसकी। अभी तो फिर क्या हुआ? वो अपने यहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं था, मुझे हम लोग को कुछ नहीं पता क्या दिक्कत है। उन लोग खाली एक ही बोल रहे थे कि लड़की थोड़ी सी सावली, तो हम लोग को उसके बारे में कुछ नहीं पता क्यों मारा गया है। हाँ, और उन लोग ने मार दिया है। कौन मारे हैं? वही उन्होंने मिल के मारा, उसकी पूरी फैमिली ने। लखीमपुर खीरी के मगरेना बउआ माजरा के पास बाइक सवार अचानक सामने आए जानवर से टकरा गया। वहीं आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिजनों में शोक की लहर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी के भिखारीपुर कला निवासी कारपेंटर जयदीप की निर्मम हत्या कर दी गई। 2 दिन से लापता जयदीप का शव घर से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट में लावारिस पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि आशनाई से जुड़े विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस मृतक के 4 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अगली खबर है पीलीभीत से। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम औरैया में यूकेलिप्टस के पेड़ पर अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरी चौराहा के जगत ढाबे के पास भीषण हादसा हो गया, जहां दिल्ली से ऊंचा हार आ रही प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 70 सवारियां मौजूद थी। हादसे में 3 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई है, वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है। रामपुर के थाना टांडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 8 चोरी की मोटरसाइकिलों समेत 8 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुर में बीच सड़क पर पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ने कूद कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वाहन में आग लगी है। सीतापुर के बिस्वा तिराहा गेट से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान मौके पर एसडीएम सीओ समेत तमाम पुलिस फोर्स मौजूद रही। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर रोड पर एक ऑटो का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार ऑटो पर बैठकर एक युवक स्टंट करता नजर आ रहा है। बता दें कि इस तरह के वीडियो लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होना बड़े हादसे को दावत दे रही है। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।